ए माता दी, गाइस गाइस, अभी इस वक्त हम है कल्याण के खड़कपाड़ा एरिया में। यहाँ पे हम माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। आज है नवरात्रि का सेकेंड डे, तो हमने एक जगह पे दर्शन कर लिया है और अभी हम यहाँ से निकल के दूसरी जगह भी दर्शन करने वाले हैं। खड़कपाड़ा एरिया में ही हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो दर्शन हो चुका है और गणपति बप्पा के हमने काफ़ी दर्शन किए। हम गणपति बप्पा के दिनों में काफ़ी अच्छा घूमे और उसके बाद का जो है ये उसके बाद का ही ब्लॉग है। इस बीच में मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं गाइस, आया है। कल्याण से हम शुरुआत करते हैं माता के दर्शन की। ये कल्याण खड़कपाड़ा की एरिया में हमने दर्शन कर लिया है, बाकी और हम दर्शन करते जाएंगे आगे। गाइस, हम निकल चुके हैं यहाँ से और अब हम एक दूसरी जगह पे जा रहे हैं। वहाँ पे भी हम माता रानी के दर्शन करेंगे। तो आज जो है, आज का जो ब्लॉग है, हम दो जगह दर्शन करने वाले हैं और उसके बाद हम यहाँ से जो है कल्याण से हम सीधा उल्लासनगर जाएंगे। उल्लासनगर 1 नंबर साइड में सीरू चौक के यहाँ पे, वहाँ पे शक्ति आश्रम है, शक्ति कृपा आश्रम। वहाँ पे जो है माता का मंदिर है, तो वहाँ पे भी हम आज वो मंदिर हम घूमने वाले हैं, वहाँ पे भी दर्शन करने वाले हैं। तो आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये जो एरिया है खड़कपाड़ा की एरिया है, तो मैं आपको एक जाते हुए थोड़ा सा यहाँ का व्यू भी एक दिखा देता हूँ। वैसे तो मेरे कल्याण के भी 2 ब्लॉग बन चुके हैं, लेकिन आज जो है हमारा पूरा जो है ध्यान जो है दर्शन में ही है। तो अभी हम यहाँ से जो है मेन रोड से हम एक राइट टर्न लेके जाएंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी एक जगह देखा था, तो मैंने सोचा कि हम वहाँ से भी जाके आएंगे और फिर उसके बाद भी जितना पॉसिबल होगा उतने हम जगह के ब्लॉग बनाएंगे आने वाले दिनों में। तो कल एक्चुअल में कल भी मैं घूमा था थोड़ा, तो कल की जो है कहाँ पे कुछ मंडप बने हुए थे, लेकिन वहाँ पे मुझे लग रहा था माता रानी जो है दिख नहीं रही थी। तो आज जो है, आज हर जहाँ पे भी मंडप बना हुआ है हर जगह पे माता रानी दिख रही है। तो मैंने सोचा कि आज से हम एक शुरुआत कर देते हैं। तो ये जो है खड़कपाड़ा सर्कल का ही एरिया है और काफ़ी जो है ये सिटी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी जो है बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस है, बिल्डिंग्स है, अच्छे रोड्स है यहाँ पे। और हमने एक अभी टर्न ले लिया है, बस अभी हम कुछ 1-2 मिनट में हम दूसरी जगह पे भी पहुँच जाएंगे। तो बस अभी जो है यहाँ पे भी मैंने एक जगह देखा था, आ गए हैं हम यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे भी हमारा एक जो है यहाँ का जो मंडप जो बना हुआ है, तो ये जो है थोड़ा सा ऊपर बनाया हुआ है, तो यहाँ से भी हम एक दर्शन कर लेते हैं। गाइस, दो जगह के हमने आज दर्शन कर लिए और काफ़ी अच्छा था वहाँ का जो है, जो थीम था काफ़ी अच्छा बना हुआ था और जो ऊपर से जो मंडप वगैरह जो बना था बहुत अच्छा लगा मुझे। और अभी हम जो है उल्लासनगर में एंटर हो चुके हैं। ये जो है एक नंबर क्रॉस हो गया है हमारा, ये 2 नंबर की मार्केट की एरिया है। यहाँ से हम सीधा पहुँचेंगे सीरू चौक। सीरू चौक से कुछ ही 2-3 मिनट में ही हम पहुँच जाएंगे हमें जाना है शक्ति कृपा आश्रम, जहाँ पे जो है माता का टेम्पल है। मैंने पहले भी सोचा था कि वहाँ का ब्लॉग बनाना है और आज जो है, आज नवरात्रा का भी दिन है, तो मैंने वहाँ का सोचा है कि आज आप हम दर्शन करेंगे और वो मंदिर भी घूमेंगे हम। तो ये जो है एक आज जो है कुछ शॉप्स चालू है और आज ट्यूसडे का दिन है तो कुछ बंद भी है। ये टोटली मार्केट एरिया है। यहाँ से जो है अगर राइट साइड जाएंगे हम यहाँ से, तो 2 नंबर नेहरू चौक, गजानन मार्केट, इधर सब टोटली मार्केट एरिया है। तो खैर, आज हमारा जो है मंदिर का ही ब्लॉग है। तो यहाँ पे जो है मेन रोड पे गाड़ी लगाने की जगह नहीं थी, मैंने अंदर साइड में सोचा एक जगह पार्किंग कर लेता हूँ। ये काफ़ी ब्यूटीफुल टेम्पल है, देखिए ये बाहर का जो है, यहाँ का जो है बाहर का नज़ारा है और नवरात्र के वजह से अच्छी तरह से जो है सजाया हुआ है, फूलों से आर्टिफिशियल फ्लावर लग रहे हैं ये मुझे। और यहाँ से हम एंटर हो चुके हैं, ये यहाँ का बाहर का रोड है, तो यहाँ से अभी हम दर्शन करना स्टार्ट कर रहे हैं।
स्टार्टिंग में ही बजरंग बली जी की तस्वीर है, यहाँ पे लिखा है जय श्री राम। तो यहाँ से जो है हमने दर्शन करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे भी कुछ तस्वीरें हैं, तो ये ज़्यादातर संतों की तस्वीरें रहेगी। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तो हमारी शेरावाली माता की काफ़ी अच्छी प्रतिमा है, काफ़ी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव प्रतिमा है। इसी के लिए मैं ख़ास यहाँ पे आया हूँ, और क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी प्रतिमा मुझे यही लगी थी। और यहाँ से मैं आपको अच्छी तरह दिखा रहा हूँ, और इसके बाद जो है पूरा एक छोटा सा मैंने आपको एक राउंड दिखा दिया। ऊपर जो है झूमर वगैरह लगा है, और यहाँ पे कुछ ऊपर कुछ पेंटिंग बनी हुई है, और यहाँ का जो है काफ़ी अच्छी तरह बना हुआ है पूरा मंदिर जो आश्रम है। यहाँ पे कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है, पढ़ने जाएंगे तो काफ़ी लंबे लंबे अक्षर से काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से, और यहाँ पे भी जो है यहाँ पे कुछ और प्रतिमाएं हैं, शेरावाली माता की प्रतिमा है, आगे गणपति बप्पा की प्रतिमा है। एक एक करके हम देखते जा रहे हैं, और यहाँ पे अगरबत्ती भी जल रही है। और ये थोड़ा वापस देख लेते हैं हम यहाँ से, क्योंकि वो पीछे से जो है थोड़ा शेडो आ रहा है। और ये मुझे लग रहा है अर्ध नारेश्वर भगवान की तस्वीर है, मतलब शिव शक्ति दोनों लग रहे हैं, एक साथ ही तस्वीर बना हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर अर्ध नारेश्वर की ही प्रतिमा है। और यहाँ पे भी कुछ छोटी प्रतिमा है भगवान की, और आगे बढ़ते हैं हम। और यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी तस्वीर है, बड़ी शेरावाली माता की ही तस्वीर है जो मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे बजरंग बली जी बैठे हैं आराम से। और स्टार्टिंग में भी हनुमान जी की प्रतिमा बनी हुई थी, तो यहाँ पे कुछ बैठने वगैरह की भी जगह है। गोल मंदिर है, रोड से ही है। और यहाँ पे कुछ ऊपर तस्वीरें हैं, खिड़कियाँ भी है यहाँ से, और ऊपर लाइटिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे है शिवलिंग है, यहाँ पे शंकर भगवान जी का भी है यहाँ पे जो है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा जल पड़ा है, मैं थोड़ा चढ़ा देता हूँ। तो लगभग हमने पूरा मंदिर घूम लिया है, दर्शन कर लिया है अच्छी तरह। और यहाँ पे नंदी महाराज जी भी बैठे हैं सामने, और यहाँ पे दिया भी जल रहा है नीचे। यहाँ से जो है पूरा मैं आपको वापस से एक झलक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है इवनिंग में काफ़ी क्राउड रहता है, और नवरात्रि क्या फंक्शन भी जो है प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे, वो सब इवनिंग टाइम में होता है। अभी है कुछ दोपहर के कुछ 12, 12:30, 1 बजे है, तो अभी कुछ क्राउड नहीं है खास, और क्राउड नहीं है तो हम अच्छी तरह मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो आज का हमारा जो है दर्शन हो चुका है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।